जी दोस्तों सलाम अलैकुम जी। उम्मीद करने हैं कि सब दोस्त खैर खरीयत नाल होणगे। तो अज असी उन्हां दोस्तों वास्ते इनफॉर्मेशन लैके आए हैं जिहड़े कतर दे विच मौजूद ने, चाहे वह पाकिस्तानी है, इंडियन है, बंगलादेश है, कोई भी है। अज असी उन्हां वास्ते इनफॉर्मेशन लैके आए हैं। तो जी दोस्तों गल करांगे कि जिहड़े दोस्त आलरेडी मौजूद ने कतर दे विच, ठीक है, उन्हां नूं किहड़े किहड़े डाकूमेंट चाहिए ने शेंजन का वीज़ा लैण वास्ते। शेंजन दे विच 26 कंट्रियां आंदियां ने, 26, ठीक है। उहदे विच तुसीं किसे दा वी अप्लाई करदे हो तुहानूं शेंजन वीज़ा मिलदा वे। उस तों बाद विच तुसीं कितें वी आ के स्टे कर सकदे हो। तो इस टाइम जिहड़े वीज़े मिलदे ने पे, इटली दे काफ़ी सारे दोस्तां नूं आलरेडी मिले ने, मिलदे भी पे ने। तो कतर तो इटली दी एम्बैसी अप्लाई करन वास्ते तुहानूं किहड़े किहड़े डाकूमेंट चाहिए ने, उहनां दे बारे च असीं अज दसांगे। तो सब तो पहली चीज़ जी तुहानू चाहिए तुहाडा अपना वैलड पासपोर्ट, वैलड वीज़ा, ठीक है। जिस दिन तुसी अप्लाई करना वे उस दिन तुहाडा जिहड़ा वे वर्क परमिट है, या तुहाडा जिहड़ा काम आ जिहनू कहिंदे ने, या तुहाडा जिहड़ा वीज़ा है वो 6 मंथ वैलड होना चाहिए, यानी कि 6 महीने वैलड होना चाहिए। और जिहड़ा तुहाडा पासपोर्ट है वो भी मस्ट 6 महीने वैलड होना चाहिए, ठीक है। दो चीज़ें हो गई। इस बाद अगे आई जांदियां ने वाइट बैकग्राउंड दियां तस्वीरां, पासपोर्ट साइज़ वाइट बैकग्राउंड दियां तस्वीरां चाहीदियां ने। रिटर्न टिकट चाहीदी है, नाल तुहानू होटल बुकिंग चाहीदी है, ठीक है। उस तो बाद अगे तुहानू चाहीदी है ट्रैवल इंश्योरेंस। ट्रैवल इंश्योरेंस जिहड़ी तुहानू चाहीदी है वह चाहीदी है कि 30,000 यूरो नू कवर करे। जिस टाइम तुसी किसे ट्रैव जांदे हो, इंश्योरेंस कंपनी कोल जांदे हो, उन्हूं दसो कि साडी इंश्योरेंस जिहड़ी है वो 30,000 यूरो नू कवर करे, ठीक है। तफसील दे नाल मैं तुहानू इस वास्ते दसना पिया कि तुहाडे कोलों कोई मिसटेक ना होए, तां कि तुहाडा वीज़ा रिजैक्ट ना होए। उस बाद तुहानू अपनी बैंक स्टेटमेंट चाहीदी है, जिहड़ा तुहाडा कतर दे विच अकाउंट ओपन है उस दी बैंक स्टेटमेंट तुहानू चाहीदी है, ठीक है। उस तो बाद तुसी अपनी पाकिस्तान, इंडिया, बंगलादेश दी भी नाल ला सकते हो, कोई इशू नहीं। उस तो बाद एक तुहानू कंपनी दा लैटर चाहिए, उस कंपनी दा लैटर चाहिए जिस कंपनी दे कोल तुसी काम करदे हो, भाई जिस कंपनी दा वीज़ा तुहाडे कोल वर्क परमिट है, यानी कि तुहाडा अरबाब जिहड़ा वे उह तुहानू एक लैटर लिख के देवेगा कि यह मेरा वर्कर है, मेरे कोल काम करदा पिया, लिहाजा यह छुट्टी जा रहा है, ठीक है। उहदे कोलों तुसीं 15 दिन का लैटर लै लवो, महीने का लै लवो, वो डिपेंड करता तुहाडे ते, ठीक है। उस तो बाद तुहानू सैलरी स्लिप चाहीदी है कि जिहड़ी हर महीने तुहाडे अकाउंट 'च सैलरी आती है, तुहाडा मालक तुहानू एक नाल स्लिप देंदा वे, उहनू कहिंदे ने सैलरी स्लिप, वो तुहानू चाहीदी, यानी कि तुहाडी जिहड़ी मंथली इनकम है। उस तो बाद ट्रैवल प्लैन, ठीक है। एक तुसीं खुद प्लैन तैयार करोगे, उहदे विच तुसीं दसोगे कि मैं कित्थे किस किस जगह ते जाके विजिट करना वे, ठीक है। यूरोप की किहड़ी किहड़ी कंट्री च जाना वे, या इटली दे किहड़े किहड़े शहर च जाना वे, उस जगह का नाँ तुसीं मैनशन करना वे, और नाल थोड़ी जी उहदी तफसील लिखनी है कि इत्थे मैनूं फलानी चीज़ फलानी चीज़ फलानी चीज़ मैनूं खूबसूरत लगती है, लिहाजा मैं उसकी विजिट करन जा रहा, ठीक है। मैं दोबारा दोस्तों के रिक्वेस्ट करना कि डाकूमेंट जिहड़े मैं तुहानू दसना पिया ध्यान दे नाल सुन लवो, ठीक है। और इहदे विच तुसीं कोई एक्सट्रा डाकूमेंट नहीं लाना है, ठीक है। सब तो पहली चीज़ कि तुहाडा पासपोर्ट 6 महीने वैलिड होना चाहिए, तुहाडा जिहड़ा वर्क परमिट है 6 महीने वैलिड होना चाहिए, वाइट बैकग्राउंड दियां तस्वीरां 4 तुसीं नाल खड़नियां ने, रिटर्न टिकट विद होटल बुकिंग, ठीक है। उस बाद ट्रैवल इंश्योरेंस जिहड़ी 30,000 यूरो नू कवर करदी होवे। उस बाद बैंक स्टेटमेंट, कंपनी लैटर, अरबाब तुहाडा इशू करेगा। उस तो बाद ट्रैवल प्लैन, सैलरी स्लिप, यह चीज़ां तुहानू मस्ट चाहीदियां ने, ठीक है। दूसरी जिहड़ी रिक्वेस्ट दोस्तों के वे कि बराए मेहरबानी करके मेरे इस चैनल नू सबसक्राइब करो, लाइक करो, दोस्तों के नाल शेयर करो। ये जिस टाइम तुसी वीज़ा अप्लाई करना, ये सिर्फ तुहाडी जिहड़ी अपनी फीस है वही लगनी है,
ਕਿਸੇ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਤੀਸਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ 2-4-5 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਤਰ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀਜ਼ੇ ਇਸ਼ੂ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਪਹਿਲੇ ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਪਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਕਤਰ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਦੋਸਤਾਂ ਅੱਗੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਖੈਰ ਖੁਆਈ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਚੈਨਲ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਮੇਰੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਉਹ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਔਰ ਕਮੈਂਟ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਹੌਸਲਾ ਬੁਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇਵੋ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਸੁਣੇ ਰੱਬ ਦੇ ਵੱਲ ਹੈ।